नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एस के टेक्निवेशन पर। सो बहुत ही मतलब अच्छी खबर है आप लोगों के लिए और बुरी खबर है DWO के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखना इस वीडियो में, काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। इसमें आपको दो न्यूज़ आर्टिकल दिखेंगे, दोनों DWO से रिलेटेड होंगे और आपकी छतवृत्ति कब आएगी उससे रिलेटेड होंगे। उसके अलावा DWO से वेरीफाई कराने का आज आखिरी दिन, इसको समझाऊंगा, कल कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए थे। और तीसरी चीज़ कि आज आखिरी मौका है, कैसे है, ये सारी चीज़ें। और चौथी कि जो आपका VR सॉरी करके स्टेटस आ रहा है उसका रीजन और वो कब सॉल्व हो जाएगा वो। तो ये चार पांच चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर दिखेंगी। सो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे लोग, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये बार बार ना बोलना पड़े। सो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ और आपको बताता हूँ कि क्या है पूरा मामला और कैसे ये क्या है। तो देखो, कल आप लोगों ने न्यूज़ देखी थी, मैंने आप लोगों को ये चीज़ दिखाया था कि जो बस्ती के जो समाज कल्याण अधिकारी, उन्होंने बोला कि बजट के कारण जो है कि छात्रवृत्ति अभी नहीं दी गई है। देखिए लिखा है ना कि इसके पीछे अधिकारी बजट न होना बता रहे हैं, जबकि कि मतलब कि बजट नहीं हमारा, इस वजह से अभी इनके पास पैसा नहीं है, तो इन्होंने मांग की है गवर्नमेंट से, उसके बाद छात्रवृत्ति देंगे। ऐसी न्यूज़ आपने कल ये देखी थी अमर उजाला की, अगर आपको याद होगा मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते होगे। तो मतलब इन्होंने रीजन दे दिया कि बजट की वजह से हम लोग छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे, हम सरकार से बजट की हमने मांग की है, तो जब बजट आ जाएगा तब हम छात्रवृत्ति दे देंगे। तो लेकिन अब देखो, उसमें एक इंटरेस्टिंग मोड आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ कि कल योगी जी ने बैठक की थी। बैठक में क्या किया था, देखो पिछला मतलब जैसे बजट सत्र था 2021 और 22 का, तो उसमें जितना पैसा हर विभाग को दिया था, तो कल उन्होंने समीक्षा की थी, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को बैठाया और मतलब उनकी डिटेल ले रहे थे कि आपको हमने इतना पैसा मतलब जारी किया था, आपने उसमें से कितना यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया, कब यूज़ किया, क्यों नहीं किया, तो ये सारी चीज़ों की समीक्षा कर रहे थे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं। सो समीक्षा में उन्होंने देखिए क्या मतलब पाया क्या, पहले मैं वो दिखाया था अमर उजाला वाली कटआउट है, ये कल की न्यूज़ में आया था। सो उन्होंने ये पाया कि ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट हैं वो पिछले 10 महीने मतलब अब से 2 ही महीने बचे हैं, 17 मार्च तक होना है, तो 50% का भी बजट का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। मतलब कि ज़्यादातर बजट जो है कि दिया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। तो उसमें इंटरेस्टिंगली देखो, समाज कल्याण का भी नाम है, जिन्होंने मतलब बजट का बिल्कुल 50% भी इस्तेमाल नहीं किया अब तक। देखिए यहाँ लिखा है ना कि आपको ध्यान से पढ़ लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के करीब 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं, 10 महीने की अवधि में प्रदेश सरकार के 55% विभाग उन्हें आवंटित बजट का 50% यानी 50% उपयोग नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शनिवार सुबह की गई बजट की समीक्षा में सामने आया कि कौन कौन से विभाग है। देखिए ध्यान से, लोक कल्याण से जुड़े चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समाज कल्याण, देखिए लिखा है ना, पिछड़ा वर्ग कल्याण और परिवहन विभाग, मतलब आपका जो DWO है और पिछड़ा वर्ग है जो भी मतलब हमको छात्रवृत्ति देता है, तो उन्होंने भी अपने बजट का 50% भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मतलब उनको जितना बजट दिया गया था उसका आधा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो ऐसे में जो ये वाली न्यूज़ थी, जो अधिकारी यहाँ बोल रहे थे कि मतलब बजट खत्म हो गया इस वजह से छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, ये तो बड़ा ही समस्या की बात हो गई कि ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोल दिया ना कि बजट नहीं, जबकि आपको ये समीक्षा में ये देख लीजिए, यहाँ पर योगी जी ने क्या पाया कि 50% भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया जितना बजट दिया गया है। सो ये बड़ा ही खतरनाक बात है कि आखिर में पैसा गया कहाँ। फिर सवाल ऐसे मतलब एक आता है ना उठ के कि अगर अधिकारी बोल रहे हैं कि बजट नहीं है और यहाँ पे योगी जी देखो कल समीक्षा कर रहे हैं, तो वो लोग देख रहे हैं कि 50% बजट का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो ऐसे में उन्होंने देखिए इन लोगों को, सभी डिपार्टमेंट जितने बजट का इस्तेमाल नहीं किया है उनको एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगले 2 महीने के अंदर मतलब जितना जल्दी हो सके वो बजट का पूरा इस्तेमाल कर लें। तो एक तो ये न्यूज़ हो गई, इसको आपने हो सकता है सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको थंबनेल में दिखाई दे रही होगी कि इन्होंने फटकार लगाई DWO को ताकि छात्रवृत्ति जल्दी मिल सके, तो वो न्यूज़ दूसरी है, ये अमर उजाला वाले नहीं है। चलिए उसको भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ कि छात्रवृत्ति का जो स्टेटस है कल की डेट में, कल और परसों की डेट में, कल तो कम परसों की डेट में बहुत लोगों के स्टेटस चेंज हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा अपना स्टेटस तो अभी चेक करो, हो सकता है आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया होगा DWO की तरफ से। तो स्टेटस तेज़ी से बदले हैं कल पिछले 2 दिनों में, सो स्टेटस नहीं खुलने वाली समस्या है। चलिए मैं स्टेटस आपको दिखा देता हूँ कैसे ओपन करना है, और यहाँ से भी आप कोशिश कर लो एक बार अगर सब जगह से ट्राई कर लिया आपने तो। सो स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपली वही करना होगा, जैसे गूगल ओपन करो और आपको ये जो वेबसाइट स्क्रीन पर दिखाई दे रही है सरकारी जॉब फाइंड, आपको इसको सर्च कर लेना है गूगल पे। अब देखो गूगल जैसे सर्च करोगे जो पहले नंबर वेबसाइट खुलेगी आपको सिंपल इसी को ओपन कर लेना है। अब जैसे इसको ओपन करोगे आपको टॉप कॉर्नर में यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, इसको ओपन कर लेना। आप जैसे देखो इसको ओपन करोगे आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है, आपके कोर्स वाइज आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। अगर आप 9th 10th 12th जिसमें पढ़ते हो, फ्रेश हो, रिन्यूअल हो, तो हर तरह की यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो ईजिली आप ओपन कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको क्लिक हेयर करना है। अब जैसे क्लिक हेयर करोगे और आपको देखो ये वाला पेज खुल जाएगा छात्रवृत्ति स्टेटस चेक करने का, तो बस अपनी डिटेल फिलअप करोगे और आपको खुल जाएगा। तो 70% लोगों के लिए छात्रवृत्ति का स्टेटस खुल रहा है, 30% लोगों
लोगों के लिए नहीं खुल रहा है, जैसा कि मैंने कल पोल किया था टेलीग्राम पे, तो 70% लोगों के लिए खुल रहा है, मतलब कि 100 में से 70 लोगों के लिए खुल जा रहा है, 30 लोगों के लिए नहीं खुल रहा है। तो चलिए वो चीज़ भी आपको समझा देता हूँ क्यों नहीं खुल रहा है और क्या रीज़न हो सकता है इसका। सो वो चीज़ जानने से पहले पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो मेन थंबनेल में चीज़ लिखी हुई, DWO को छात्रवृत्ति में देरी के लिए लगाई फटकार। तो इसको आइए आपको दिखा देता हूँ कि जो कल समीक्षा हुई थी उसी में देखिए, उसी की ये आर्टिकल है, देखिए कल की है 28 जनवरी 2023 का ये आर्टिकल, इसको आप देख लीजिए। जन आकांक्षा के अनुरूप होगा बजट, पूरे होंगे लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादे। मतलब ये देखो, अगला जो बजट है उसकी तैयारी और पिछले की समीक्षा दोनों कल के डेट में की गई। तो उन्होंने देखिए समाज कल्याण अधिकारी को, देखिए योगी जी बैठे हैं, तो इन्होंने क्या बोला ये आपको दिखा देता हूँ कि जो बजट होगा वो उसी हिसाब से होगा ताकि पूरा इस्तेमाल हो सके इसका। तो देखिए इन्होंने बोला ना, विशेष बैठक में अनेक अधिकारियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। तो स्पेशली देखिए इन्होंने छात्रवृत्ति वाला जो डिपार्टमेंट है उनको, देखिए यहाँ पे आपको लास्ट वाले पेज पे दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए श्री योगी ने कहा, मतलब वही योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि अंत्योदय के लक्ष्य के अनुरूप हर जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य संकल्पित है। दिव्यांगजन, निराश्रित महिला और वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति की धनराशि नियमित अंतराल पर छात्रवृत्ति लाभार्थी को प्राप्त हो, यानी कि जो छात्रवृत्ति का पैसा, वृद्धा पेंशन, ये सारी चीज़ें टाइम पर देने वाले के लिए, मतलब डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला इसमें कतई देर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें मतलब उनको मतलब मजबूत बनाती है, छात्रों से डायरेक्ट जुड़ी होती है, तो उन्होंने कतई नहीं देर होनी चाहिए उनको, मतलब कुल मिला के बताया कि भैया आपके पास जल्दी जल्दी जितना है, आपके पास बजट है, फटाफट से नाटक ना कीजिए, आप फटाफट से पैसा छात्रवृत्ति का, जिसका वृद्धा पेंशन या बाकी जो भी आपने पेंडिंग रखा है उसको फटाफट से क्लियर कर दीजिए, नेक्स्ट सेशन भी आने वाला है। सो ऐसे में इन्होंने मतलब क्लियरली उनको दे दिया है, एक तरह से अल्टीमेटम सा दे दिया सारे डिपार्टमेंट्स को, जितना जल्दी हो सके आप अपने जो बजट का आपको पैसा मिला है वो चीज़ आप लोग कर लीजिए, नहीं तो मतलब देरी हो जाएगी, क्योंकि अगला सत्र भी 1 अप्रैल से शुरू करना है। सो उन्होंने मतलब कुल मिला के इनको एक बता दिया है भाई, एक तरह से भाई मुख्यमंत्री से अगर वार्निंग आती है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। सो ऐसे में आपको देखने को मिल सकता है छात्रवृत्ति कभी भी रिलीज हो सकती है, तो PFMS पर छात्रवृत्ति चेक करते रहिए। सो ये चीज़ तो हो गई कवर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है DWO से वेरीफाई कराने का आज है आखिरी दिन। सो ये क्या चीज़ है मैं समझा देता हूँ, बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे कि क्या चीज़ है। सो आप लोगों के स्टेटस में, बहुत लोगों के स्टेटस में शो हो रहा होगा ये चीज़, देखिए संबंधित विश्वविद्यालय एवं अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा। अब देखो जिनका ये शो हो रहा है उनके लिए एकदम परफेक्ट है, इनका कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ओके जा रहा है। अब जिनका नहीं हो रहा वो लोग समझ लो कि क्या मैटर है। देखो आपका जो स्कूल कॉलेज आप जिसमें भी पढ़ते हो वो लोग किसी न किसी से लिंक्ड अप होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको क्या करना होता है, आपको कॉलेज में आप जिसमें पढ़ते हो उनको आपका पूरा डेटा, मतलब कि मेरे कॉलेज में इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये नाम है, इस क्लास में इतने पढ़ते हैं, इतने उन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है, तो ये सारी डिटेल जो होती है ये अपने जिससे कनेक्टेड रहते हैं उससे उसको देना होता है, और DWO को वो लोग देते हैं ताकि ये वेरीफाई हो सके। सो जो इसकी डेट है वो 30 जनवरी तक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 12 नंबर पॉइंट। तो जो आप लोगों का स्टेटस जिनका ये चीज़ शो हो रहा है ये चीज़, उसमें यही लिखा हुआ है कि इनका जो कॉलेज है, जिस बंदे का ये स्टेटस है उनका जो कॉलेज है वो वेरीफाई हो चुका है एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा, उनका पाठ्यक्रम का वर्ष और ये सारी चीज़ें डिजिटल सिग्नेचर से, मतलब डिजिटली की सारी डिटेल को वेरीफाई किया जा चुका है। सो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी, और 30 जनवरी कब है, आज ही है, देखिए यहाँ 12 नंबर पॉइंट। तो जो वो वेरिफिकेशन है आपसे नहीं जुड़ा हुआ, आपके कॉलेज का काम है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, इतना आप लोग ध्यान रखें। देखिए लिखा है ना, जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 के लिए और संबंधित विश्वविद्यालय एवं अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष और ये सारी चीज़ें डिजिटल सिग्नेचर से जो वेरीफाई करने की तारीख है वो 3 से लेकर 30 जनवरी के बीच, मतलब आज वो आखिरी दिन है जब आपके कॉलेज को डिटेल देनी है और वो वेरीफाई करवा लेना। और ये चीज़ कल हिंदुस्तान में भी निकली थी कि जो ये अपनी यूनिवर्सिटी है CCS यूनिवर्सिटी, उसने अभी तक 294 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अपना डेटा नहीं वेरीफाई किया है, तो 50,000 छात्रों की छात्रवृत्ति ऐसे में फंस सकती है। तो देखिए लिखा है ना कि कॉलेज 30 जनवरी तक अपने डेटा का सत्यापन करा लें, यदि डेटा सत्यापित नहीं होता तो छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति फंसने में कॉलेज खुद जिम्मेदार होंगे, मतलब उनको आज किसी तरह से अपना डेटा वेरीफाई करा लेना, अदरवाइज उनका रिजेक्ट हो जाएगा सभी का जो भी उस कॉलेज में पढ़ते होंगे जिन्होंने ये वेरिफिकेशन नहीं कराया होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना किसके में ये स्टेटस नहीं शो हो रहा है, ऐसे लोग जरूर कमेंट करना, और जिनका शो हो रहा है वो भी अपने कमेंट छोड़ देना ताकि समझ में आ जाए। सो ऐसे में आज आखिरी मौका है, देखिए आपका कॉलेज करा तो देगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो लोग करा लेंगे ये काम। सो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब VR Sorry पे थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो VR Sorry क्यों लिख के आ रहा है ये अभी भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चल पाया है, तो मुझे पहले लगा था करेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन ये करेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है। इसका रीजन मुझे लग रहा है ये जो 30 जनवरी का वेरिफिकेशन है ये कहीं ना कहीं उसमें रीजन हो सकता है एक, कि आपका कॉलेज या हो सकता है कि वेरीफाई ना हुआ हो, ये डिजिटल जो वेरीफाई होना है 30 तक तो वो ना हुआ हो, वो लोग हो सकता है काम कर रहे हैं इस वजह से इस पर डिले हो रहा है। लेकिन आज शाम तक मैंने आप लोगों को बताया ना कि आज शाम तक, मतलब यार कल सुबह तक 30 जनवरी जैसे बीतेगी आपकी ये चीज़
खत्म हो जाएगी, आपका स्टेटस शो होने लगेगा। तो ऐसे लोग ज़्यादा चिंता ना करें, स्टेटस में ज़्यादा कुछ अभी बदलेगा भी तो आपका मतलब आप अब करेक्शन तो कर नहीं सकते हो, तो ज़्यादा चिंता ना करें, शाम तक आपको स्टेटस दिख जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हो गई वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों को थंबनेल बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई, और जो आर्टिकल और सारी चीज़ें देख रहा हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, मैं भूल जाता हूँ कई बार, आप लोग रिमाइंड करा सकते हैं कि ये मैंने नहीं डाला, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिए, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके अपना मैसेज करें, स्टेटस भेज दें, मैं देख लूँगा। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, कल मैंने डाली भी थी ये पोस्ट, सो आप लोग सारे लोग जुड़ जाइए वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।